डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। हेलो सी एंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन सीरीज ऑफ एडवांस अकाउंट्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वैसे तो इस टॉपिक का मैंने एक 20-25 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड करके रखा हुआ है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में और अच्छे से रिविजन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। उस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है, तो जिसको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स में इश्यूज है वो ये वीडियो पहले देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अभी उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस वीडियो को मैं 2 से 3 मिनट में समराइज करता हूँ और फिर हम लोग क्या करेंगे, RTP May 20 जो आपका अभी अटेम्प्ट है, उस RTP का पहला ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जस्ट बिफोर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक क्विक रिव्यू 2 से 3 मिनट में। ठीक है, जरा ध्यान दो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 3 बेसिक अकाउंट्स हम लोग को बनाने पड़ते हैं। एक है सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना जरूरी है। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, 2, 3, 4 पार्टनर्स हैं, उनके कॉलमनार फॉर्म में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेट अस से XYZ ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर अकाउंट जो बनाते हैं दैट इज कैश बैंक अकाउंट। यूजुअली क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी यही होता है, क्वेश्चन में जो मेन आंसर है वो ये 3 अकाउंट्स ही होते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक बैंक अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। अब इसके अलावा अगर आपको और कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो आप वर्किंग नोट्स के थ्रू बना सकते हो, और कोई चौथा अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो जल्दी से क्विक रिव्यू, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सन्ड्री असेट्स है, जितने भी टोटल सन्ड्री असेट्स है वो सब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो टू ऑल सन्ड्री असेट्स, बराबर बोल रहा हूं मैं, चाहे प्लांटर मशीनरी हो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो, वो सब हम लोग डेबिट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। सर कौन सी वैल्यू पे डेबिट करते हैं, बुक वैल्यू पे, करेक्ट। उसके बाद में जो भी आपके फिक्टिशियस असेट्स होंगे वो यहां पर नहीं आएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होंगे, आपके पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस हो गए, या ऐसे जो फिक्टिशियस असेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी होंगे, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगे, वो सारे फिक्टिशियस असेट्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट होंगे, इन देयर ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटी में आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जितनी भी है, देखो मैंने बहुत सी चीजें बोल दी इसमें, आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स मतलब बाहर वालों की, तो बाहर वाले मतलब पार्टनर्स की, जो अगर पार्टनर्स ने लोन दिए होंगे फर्म को तो वो आउटसाइडर्स में नहीं गिने जाएंगे, वो इनसाइडर हो गए। हाँ, पार्टनर के रिलेटिव ने अगर लोन दिया है तो बिल्कुल आउटसाइडर में ही गिने जाएंगे। वापस बोल रहा हूँ, आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी लोन मतलब पार्टनर्स ने अगर लोन दिए होंगे तो वो आउटसाइडर में गिने नहीं जाएंगे, वो इनसाइडर गिने जाएंगे। सर पार्टनर के रिलेटिव ने लोन दिया तो यस, दैट पर्टिकुलर पार्टनर रिलेटिव विल बी कंसिडर्ड इन आउटसाइडर। ठीक है, तो थर्ड पार्टी लोन जितने भी है वो सब रियलाइजेशन को क्रेडिट करो, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स की बुक, पार्टनरशिप फर्म को हम लोग को क्लोज करना है तो वहां से उसको डेबिट करो और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करो। तो ये बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी लोन, वो कर दिया सर हमने। फिर आगे बताओ कौन सी वैल्यू पे, ऑब्वियसली बुक वैल्यू पे, ओके। देन इसके बाद में बैंक अकाउंट जो असेट है, मैंने स्पेशली क्यों बोला था वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों नहीं डालते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन रियलाइज्ड फॉर्म, उसको रियलाइज नहीं करना होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट या कैश बैंक अकाउंट, तो देयरफॉर यहां पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं इसका। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सेम थिंग, जो उनके बैलेंसेस है वो लिख लो, किसी का डेबिट होगा तो डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस लिख लो। देन रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी तुमने सन्ड्री असेट्स डाले, 1, 2, 3, 4, 5 सारे बुक वैल्यूज पे पुटअप कर करके, तो एक एक सन्ड्री असेट्स का रियलाइजेशन करो कि उसको क्या किया है, कि भाई उसको बेचा है या कोई पार्टनर ने लेकर गया है उस असेट को, तो जिस पार्टनर ने लेकर गया उसको, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, या फिर कोई लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट हुआ है तो कोई एंट्री नहीं पास करना। ये सारी चीजें मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में इन डिटेल समझाई हुई है, मैं सिर्फ क्विक रिव्यू दे रहा हूं तुम लोगों को यहां पर, ताकि हम लोग जो ये क्वेश्चन देखे तुमको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो जितने भी असेट्स है वो सारे तुमको रियलाइज करने पड़ेंगे एट देयर मार्केट वैल्यूज, विच विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इन द एडजस्टमेंट्स। सिमिलरली जितने भी सन्ड्री लाइबिलिटीज है उनको भी आपको पे ऑफ करना पड़ेगा।
अगर कुछ नहीं बोला है कोई लाइबिलिटी के बारे में, तो इसका मतलब आपको उसकी बुक वैल्यू पे पे ऑफ करना है, आपको उसकी बुक वैल्यू पे पे ऑफ करना है। हाँ, स्पेसिफिकली बोला है कि कोई लाइबिलिटी वेव ऑफ हो गई है या इतने इतने रुपीज माफ कर दिए, तो ऑब्वियसली उतने रुपीज कम देके तुमको उनको पे ऑफ करना है, लेकिन लाइबिलिटीज को आपको पे आउट करना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट को आप बैलेंस करना है। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो दैट विल बी अ रियलाइजेशन प्रॉफिट विच विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर बोला मैंने, अगर रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करोगे, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा ऑब्वियसली, और क्रेडिट बैलेंस जो भी आएगा उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, खत्म। फिर बैंक बैलेंस और पार्टनर्स का जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है वो अपने आप में टैली होता है, ठीक है। ये एक सबसे खूबसूरत बात है इस पर्टिकुलर चीज की, कि बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली टैली होते हैं, अगर आपने सब चीजों का सही से इफेक्ट दिया है तो, ठीक है। तो ये मेरा एक क्विक रिव्यू था, छोटा सा 4-5 मिनट का, जिसमें मैंने तुमको जल्दी से बताने की कोशिश की। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस अगर आपको इसके कंसेप्ट में डाउट है तो पहले वो वीडियो देख लो और उसके बाद में इस पर आओ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो वीडियो भी 20-25 मिनट के ऊपर का नहीं है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए उसके भी आगे, ठीक है। नाउ हम लोग अब चलेंगे आरटीपी मई 2020, जो आपका पहला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, डिफिकल्ट है जरूर, लेकिन ये डिफिकल्ट इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा भयानक देकर रखा है इंस्टीट्यूट ने। अगर बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते थे तो सॉल्यूशन इतना भयानक नहीं आता था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इनके सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं, मैं तुमको तीन ही अकाउंट्स बना के बताऊंगा, इसमें चौथा अकाउंट बताऊंगा ही नहीं। कौन से तीन अकाउंट? एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक बैंक अकाउंट और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ये तीन ही अकाउंट के थ्रू ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वर्किंग नोट्स बता दूंगा, करेक्ट। तो चलो, राम, वजीर एंड आदिल गिव यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2019। देखो, असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 30,000 रुपीज, फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स 2,000, स्टॉक 10,400, डेटर्स 18,400, ग्रॉस वैल्यू लेस प्रोविजन 400, तो नेट वैल्यू 18,000। ये भी तुमको पता है कि डेटर्स हम लोग ग्रॉस वैल्यू पे ही जब पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, तो ग्रॉस वैल्यू पे ही ट्रांसफर करेंगे, और ये जो आरडीडी है, प्रोविजन जो है बनाकर रखे, वो हम लोग लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 15,000। सर, इस पे हमको बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये डालना नहीं डालना? बिल्कुल डालना है, असेट है ना ये, फिक्टिशियस असेट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल हम लोग को उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ओके। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, बिल्कुल ये कोई फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, रियलाइजेशन वैल्यू ऑब्वियसली रहेगी इसके नीचे, तो ये भी हम लोग को सारे असेट्स डालने हैं। देन कैश एट बैंक, ऑब्वियसली इसके लिए तो स्पेशल अकाउंट हम लोग बनाते ही है, इट इज ऑलरेडी इन रियलाइज्ड फॉर्म, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर कैश एट बैंक टू द रियलाइजेशन अकाउंट। देन राम्स लोन, अब ये देखो, राम ने फर्म को यहां पर लोन दिया है, तो इट इज नॉट अ आउटसाइडर्स लोन, इट इज अ इनसाइडर्स लोन, बिकॉज राम इज अ पार्टनर, यहां पर ही समझ में आ गया था हम लोग को। तो ये रियलाइजेशन में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज राम इज अ इनसाइडर, राम इज नॉट अ आउटसाइडर, ओनली थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स लोन विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। देन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ राम, वजीर एंड आदिल हैज बीन गिवन 30,000, 10,000 and 2,000, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 17,800, फाइन। लोन ऑन हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक 6,200, ओके। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 12,400। सर, इसमें भी हमको कन्फ्यूजन होता है, जेएलपी और जेएलपीआर देखा तो, कन्फ्यूज होने का सवाल ही नहीं। मेरे को एक बात बताओ, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्या ये लोन है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी चीज आएगी? ऑल द असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स, और लाइबिलिटीज में थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ही जाएगी। रिजर्व लाइबिलिटी कब से होने लग गई? तो ये कैसे क्या जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में? ये तो रिजर्व है, तो रिजर्व सर कहां डालना फिर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर कोई जनरल रिजर्व होता यहां पर, तो वो भी तुम लोग कहां ट्रांसफर करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। ये रिजर्व वगैरह किसके बनाए हुए, किनके पैसों के बनाए हुए होते? प्रॉफिट से ही बनते हैं ना रिजर्व, प्रॉफिट होते किसके हैं? पार्टनर्स के। तो इसमें सोचते क्यों हो डिफिकल्ट? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिखा, मतलब ये पार्टनर्स के पैसे है, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट्स को डेबिट कर करके ही रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और प्रॉफिट्स होते किसके? पार्टनर्स के। तो ये पैसे भी जेएलपीआर में जो पड़े हैं 12,400, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं रहना चाहिए। कोई भी रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हो, या किसी भी पर्टिकुलर टाइप का रिजर्व हो, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा,
लाइबिलिटी बोल के, लाइबिलिटी में सिर्फ आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ऑलराइट। चलो द पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ राम 4:9, वजीर 2:9 एंड आदिल 1:3। अब ये 1:3 दिया है, मतलब इसको 9 के टर्म्स में बोलो तो 3:9 होता है आदिल का, तो पीएसआर हमको समझ में आ गया 4:2:3 है, दैट्स फाइन। फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2019 एंड यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस द पर्टिकुलर दिन पे फर्म डिजॉल्व हो गई थी एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। लिसन, आदिल हैड टेकन अ लोन फ्रॉम इंश्योरर्स फॉर ₹5,000 ऑन द सिक्योरिटी ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखो फर्म का एसेट है ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उस फर्म के एसेट पे आदिल ने पर्सनल लोन लिया था ₹5,000 का। ओके, द पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड एंड इंश्योरर्स पेड अ सम ऑफ ₹10,200 आफ्टर डिडक्टिंग ₹5,000 फॉर आदिल्स लोन एंड ₹300 एज इंटरेस्ट देयर ऑन। देखो जब फिर ये फर्म डिजॉल्व हो रही थी तो हम लोग हमारे जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से निकाली थी उसके पास में हम लोग गए, तो उसने क्या बोला कि देखो आपकी जेएलपी है ₹15,000 की। बोला हाँ बराबर है, तो उसके अगेंस्ट में आपके एक पर्टिकुलर पार्टनर ने ₹5,000 का लोन लिया था और उसके ऊपर में इंटरेस्ट ड्यू हो गया ₹300 का, तो एक्चुअली तो आपको ही हमको ₹5,300 देने चाहिए पहले, ठीक है। तो वो ₹5,300 को हम लोग डिडक्ट करने के बाद में ₹10,200 आपको दे रहे हैं। 15,000 की पॉलिसी के अगेंस्ट में उन्होंने कितने रुपए दिए अपने को, ₹10,200। कहां लिखा है सर ऐसा, देखो यहां पॉलिसी ऑफ सरेंडर एंड इंश्योरर्स पेड अ सम ऑफ ₹10,200 आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब ₹5,000 उसने जो लोन लिया था आदिल ने पार्टनर ने और ₹300 इंटरेस्ट के, ये काटने के बाद में ₹10,200 दिए। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 10,200 + 5,000 + 300 मतलब ₹15,500 इस जेएलपी की मार्केट वैल्यू हो जाती है। अगर ये आदिल लोन नहीं लेता था तो आज मेरे को ये इंश्योरेंस कंपनी 15,000 के जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट में कितने रुपीस देता दे देता था, 15,500 बोलो, देता था कि नहीं देता था। हाँ, तो आज वो 15,500 की जगह पे मेरे को कितने दे रहा है, 10,200। क्यों? क्योंकि उसने मेरे ही एक पार्टनर के ₹5,300 काटे। तो सर ऐसी स्कीम में क्या करना है बताऊंगा ना मैं सिर्फ तुमको ये इस पॉइंट का ओवरऑल ब्रीफिंग दे दिया मैंने कि इस जेएलपी की मार्केट वैल्यू कितनी है करके, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, देन वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वाज ₹6,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹4,500, द बैलेंस टू दैट क्रेडिटर वाज पेड इन कैश। देखो एक क्रेडिटर था जिसने हमारे पेटेंट्स जिसकी बुक वैल्यू ₹6,000 थी उसको कितने में लिया, 4,500 में। देखो कभी कभी क्या होता है कि लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए पूरी कैश अवेलेबल नहीं रहती है, तो हम लोग असेट्स के सामने भी दूसरे असेट्स ऑब्वियसली कैश के अलावा भी दूसरे असेट्स के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो एक क्रेडिटर था जिसने हमारे पेटेंट्स लिए जिसकी बुक वैल्यू 6,000 थी। देखो पेटेंट्स यहां पर असेट दिख रहा है हम लोगों को, ये देखो पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क ₹10,000 के, तो ₹10,000 के पेटेंट्स जिसकी बुक वैल्यू 6,000 थी, 10,000 में के यहां पे दो हिस्से हो जाएंगे, मतलब सिंपल सी बात है, एक 6,000 का पेटेंट और दूसरा बैलेंस 4,000 का पेटेंट। तो 6,000 की जो पेटेंट जिसकी बुक वैल्यू 6,000 थी उसको ₹4,500 के अंदर में लिया है, और बचे हुए 4,000 का क्या करना है वो बाद में देखेंगे हम लोग, फिलहाल सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है। और बैलेंस टू दैट क्रेडिटर, उस क्रेडिटर को बैलेंस जो है वो कैश में पे ऑफ कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते, द फर्म हैड प्रीवियसली परचेज सम शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हैड रिटन देम ऑफ ऑन फाइंडिंग देम यूजलेस। पहले इस फर्म ने कोई तो भी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे और उसको राइट ऑफ कर दिए थे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन द शेयर्स वेर नाउ फाउंड टू बी वर्थ ऑफ ₹3,000 एंड अ लोन क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड एसेट। पहले हम लोग ने एक कंपनी के शेयर्स लिए थे, फिर उसको राइट ऑफ कर दिए, मतलब राइट ऑफ मतलब ₹0 की वैल्यू होगी, लेकिन अचानक से उन शेयर्स की वैल्यू आ गई जिसकी वैल्यू ₹3,000 थी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हम लोग ने यूटिलाइज किया काय के लिए, एक लोन क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब देखो लोन क्रेडिटर मतलब कौन सा क्रेडिटर सर, समझे नहीं। देखो एक तो सेंडरी क्रेडिटर है और दूसरा लोन ऑन हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक जिसकी 6,200 तुमको देना है, तो ये 6,200 में को देने के लिए ₹3,000 तुम लोग किस चीज के यूटिलाइज करोगे, उस पर्टिक्यूलर शेयर्स का। तो अब तुमको बचे हुए जो पैसे है 6,200 में से ₹3,000 जो बचे है, ₹3,000 तो तुमने दे दिए शेयर्स, जो ₹3,200 बचे वो तुमको और देने पड़ेंगे कैश के थ्रू, समझ रहे पॉइंट। इतना कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, माफ नहीं किया है कि भाई बैलेंस हैज बीन वेव्ड ऑफ, नहीं, ऑलराइट, ओके।
देन द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट. प्लांट एंड मशीनरी सर 17,000, मतलब ये एक्चुअल में कैश में रियलाइजेशन हुआ है हमारे पास में. प्लांट एंड मशीनरी 17,000, फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स 1,000, स्टॉक 9,000, डेटर्स 16,500, पेटेंट्स एट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू. तो ये जो पेटेंट्स है याद आया, 10,000 के टोटल पेटेंट्स है, उसमें के 6,000 के पेटेंट तो किसी और को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसने 6,000 वैल्यू नहीं मानी उसकी. उसने बोले 6,000 के होंगे तेरे बुक्स में, लेकिन मैं तो इसको सिर्फ 4,500 ही मानूंगा. बोल चलता है क्या? तो हमने बोला ठीक है चलता है. तो बचे कितने पेटेंट्स? 4,000 के. तो उस जो बचे हुए पेटेंट्स है 4,000 के, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी बताया कि तुमको? एट 50%. पेटेंट्स एट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू. क्योंकि 10,000 में के 6,000 के तो पेटेंट्स चले गए ना, हम लोग किसी और को दे दिए, तो बचे कितने? 4,000 में के 4,000 की रियलाइजेबल वैल्यू 50%. समझा पॉइंट ये? ओके. द लाइबिलिटीज वेयर पेड एंड अ टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर्स. ये देखो, ये बची हुई जो लाइबिलिटी है, क्योंकि ये वाली लाइबिलिटीज के बारे में तो हो गई थी लोन क्रेडिटर, अब एक ही लाइबिलिटी रही सन्ड्री क्रेडिटर. वो यहां पर जो बोला है उन लोग ने, सन्ड्री क्रेडिटर वॉज पेड इन कैश, लेकिन उसने 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, तो 500 रुपए हमने कम दिए, मतलब सिंपल सी बात है. ऑल राइट. ओके. द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 2,300. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 2,300 रुपए. तो वो हम लोग ने ऑब्वियसली पे किए होंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कॉलमनार फॉर्म. ये तीन अकाउंट तो हम लोग को बनाने ही होते हैं, ये मेन पार्ट हमेशा रहता ही आंसर का. ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी वर्किंग नोट्स इन योर आंसर. करेक्ट. तो तीन ही अकाउंट्स बनाएंगे, बाकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बहुत सी चीजें तुमको एक्सप्लेन करते टाइम पर ही बोला था, उसकी वर्किंग नोट्स मैं बना के बताऊंगा. ठीक है. ऑल राइट. तो अब सिर्फ वीडियो देखने से बेटर है अगर तुम मेरे साथ में लिखना भी स्टार्ट करो, जहां जहां हो सकता है उतना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, तुमको अच्छी ग्रिप आएगी चीजों के ऊपर में. बराबर है. तो व्हाट यू डू इज यू नाउ पॉज द वीडियो. बिफोर पॉजिंग रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, एक पूरा पेज भर के, रजिस्टर का पूरा पेज आराम से अच्छे से हम लोग मैं बताऊंगा तुम लोग को. एक पूरा पेज डेडिकेट करो रियलाइजेशन अकाउंट को, 10 लाइन बैंक अकाउंट के लिए और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुश्किल से वापस 7-8 लाइन कॉलमनार फॉर्म में जो तीन पार्टनर्स के नाम है, उतना बनाकर रेडी रखो. बराबर है. मैं भी इस चीज को रेडी रखता हूं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हाँ, तो ओके. नाउ सी, एज यू कैन सी, मैं रेडी हूं रियलाइजेशन अकाउंट के साथ में, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7-8 लाइन जो मैंने बोला था, और सेम बैंक अकाउंट्स. ओके. तो चलो नाउ कंटिन्यू फटाफट. क्या करेंगे कि जितने भी सेंट्री एसेट्स है वो सब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. उसकी जर्नल एंट्री पता है तुम लोग को. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईच एंड एवरी सेंट्री एसेट्स, क्रेडिट 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 करते आएंगे. बराबर है. तो विल स्टार्ट नाउ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. सबसे पहला देखो सन्ड्री एसेट्स कौन सा दिख रहा है तुम लोग को यहां पर. ओके फाइन. हाँ, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फिक्स्चर्स एंड फिटिंग 2,000. ये बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर करना पड़ता है, वही मैं कर रहा हूं. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स, देन स्टॉक 10,400, उसके बाद में डेटर्स है, ग्रॉस वैल्यू पे करेंगे, तब भी बोला था 18,400, लेकिन फिर क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं ना बाद में उसको. तो देयरफॉर यहीं पे हाथों हाथ आरडीडी 400, इसको पे ऑफ नहीं करना पड़ता है, बट दिस इज द यूजुअल फॉर्मेट कि ग्रॉस वैल्यू पे पुट अप करो और यहां 400 उसके आरडीडी उसके अगेंस्ट में लिख लो. तो ये देखो 18,400 और ये 400 हो गया, स्टॉक हो गया, देन जेएलपी और पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये दो ही चीज रहे अभी. ठीक है. 15,000 और 10,000. राइट. टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 और टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स. सी, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है पता है क्या? सजेस्टेड आंसर्स देते वक्त जेएलपी को यहां लिया ही नहीं. उसका रीजन क्या है? असेट है वो, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, बिल्कुल लेना चाहिए. उसको अलग से सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. बराबर है. जस्ट बिकॉज उसकी कोई वर्किंग है नीचे, दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. फाइनल आंसर एक्जैक्टली मैच हो जाएगा, बट लेकिन तरीका हो क्या होता है, हर क्वेश्चन के साथ में अगर इंस्टीट्यूट क्या करती है, उसका सोल्यूशन अपने अपने हिसाब से चेंज करते जाती है, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. तो मैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन बता रहा हूं तुमको कि हर पॉइंट में अगर कोई सा भी क्वेश्चन डिसॉल्यूशन का उठा लो,
तीन ही अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, चौथा अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाकी सब वर्किंग नोट्स का पार्ट रहेंगे। तो एज इट इज ही करो। हाँ, जो फिक्टिशियस है वो मत डालो यहां पर, फिक्टिशियस तुमको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, लेट दिस बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जितने भी असेट्स है सब डालने हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स। काय पे डालेंगे? बुक वैल्यूज पे। मैंने सारे की सारे एज इट इज बुक वैल्यू पे डाल दिया। अभी मेरा रियलाइजेबल वैल्यू की तरफ ध्यान भी नहीं है जो वर्किंग नोट्स में नीचे दिया है, अभी सिर्फ बुक वैल्यूज डाल दिए। करेक्ट। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है आउटसाइड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। दो ही थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है यहां पर। देखो वापस क्वेश्चन में आता हूं। राम्स लोन, राम इज अ पार्टनर, इट इज अ इनसाइडर लाइबिलिटी। देन ये तो कैपिटल अकाउंट्स हुए। सन्ड्री क्रेडिटर इज आउटसाइडर लाइबिलिटी एंड लोन ऑन हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक इज आउटसाइडर लाइबिलिटी। जेएलपीआर इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज अ रिजर्व। ऑलराइट, तो सन्ड्री क्रेडिटर 17,800 मैं लिख रहा हूं। उसके बाद में बाय लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक दैट इज 6,200। बराबर है पॉइंट ये? ओके, ये मैंने डाल दिया। तो दो मेरे चीज हो गई। अब उसके अलावा एक काम करते हैं, हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाकर रखे हुए हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी उनके बैलेंसेस है वो ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने 30,000, 10,000 और 2,000। उसके अलावा बैंक भी हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला नहीं ऑब्वियसली, तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहां हम लोग लिख लेते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आई गेस 8,000 रुपीज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये कैश बैंक। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक मैंने तुमको पहले भी बताया था, अब वापस बता रहा हूं कि तुम्हारा हर एक असेट की तरफ ध्यान रहना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, जेएलपी, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, कि इनका रियलाइजेशन क्या क्या हुआ है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया तो 17,000 में बेचा, जैसे उन लोग ने बात बोला है नीचे, तो बाय कैश बैंक यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे उसको कि भाई 17,000 में बिका है। बराबर है, लेकिन डायरेक्टली उस पर जंप करने से पहले जो एडजस्टमेंट्स है एक बार वो सॉल्व कर लेते हैं। वो तो सिंपल एडजस्टमेंट है जो रियलाइजेशन वाला है। ऑलराइट, ओके, तो पहला ही एडजस्टमेंट जेएलपी के रिगार्डिंग है जिसका मैंने तुमको समझाया था, वापस समझाऊंगा अभी, कि आदिल एक पार्टनर जो है उसने लोन लिया है 5,000 रुपीज का ऑन द सिक्योरिटी ऑफ जेएलपी, द पॉलिसी ऑफ सरेंडर एंड इंश्योरेंस पेड अ सम ऑफ रुपीज 10,200। 10,200 रुपए दिए 5,000 रुपए का लोन और 300 रुपए का इंटरेस्ट काटने के बाद में, मतलब उस जेएलपी की वैल्यू कितनी हुई होंगी 15,500। तुम ठीक है, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 5,300 रुपए जो आदिल के है ये बेसिकली पर्सनली लिए उसने, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सी यहां मैं करूंगा बाय आदिल कैपिटल अकाउंट, बिकॉज अगर कोई पार्टनर फर्म का असेट यूटिलाइज करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट किया 5,300 रुपए से और बाय बैंक ऑन रियलाइजेशन ऑफ जेएलपी, बाय बैंक ऑन रियलाइजेशन ऑफ जेएलपी 10,200 रुपए। बोलो क्लियर हो गया पॉइंट ये? तो मैंने यहां देखो बेटा, ये जो जेएलपी है बहुत ध्यान से देखना, 15,000 रुपए की जेएलपी है, उसका रियलाइजेशन कर दिया। कितना रुपए इसका रियलाइजेशन किया पता है? 15,500 रुपए का। आदिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग 5,300 से। अगर आदिल लोन नहीं लेता था तो वो जेएलपी के अगेंस्ट मेरे को 15,500 रुपए मिलते थे कि नहीं मिलते थे? फिर मैं क्या एंट्री पास करता था? बाय बैंक टू जेएलपी, टू बाय बैंक टू रियलाइजेशन, सॉरी। तो पर अभी 15,500 मिल रहे क्या मेरे को? नहीं मिल रहे। कितने मिल रहे? 10,200 ही मिल रहे। उन्होंने 5,300 काट ली, तो 5,300 का जो फर्म को नुकसान हुआ है वो सिर्फ एक पार्टनर की वजह से हुआ है। तो जिसके वजह से हुआ है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो कि भाई तेरे से लेने हैं ये, तूने पर्सनल लोन लिया था, फर्म के लिए थोड़ी ना लोन लिया था। आया पॉइंट ध्यान में? ओके, सो देयरफॉर मैं आदिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा टू रियलाइजेशन पांच हजार तीन सौ और बैंक में जो ये पैसे आए, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक क्योंकि बहुत सारे पैसे आने वाले हर एक असेट रियलाइज होगा, तो रियलाइजेशन यहां पे लिखता हूं जेएलपी, जेएलपी के अगेंस्ट में मेरे को, या एक काम करते रियल इसको
इसको मैं सेकंड इफेक्ट अभी नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स रियलाइज होने वाले, एक दो तीन चार पांच जितने भी, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एसेट जब रियलाइज होगा तो उसका एक नेट फिगर बैंक में लिख देंगे। यहाँ पे एंट्री हो गई बाय बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है, जस्ट वेट, तुमको समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट तो लिख दे दिया ना मैंने आदिल का, ये तो समझ में आ गया, 5300 यहाँ लिखा, आदिल का अकाउंट डेबिट किया और ये, ठीक है। तो अब तुम ध्यान दो, अब इसके ऊपर में मेरे को कभी ध्यान देना ही नहीं है जेएलपी के ऊपर में, क्यों, क्योंकि इस चीज का निपटारा हो चुका है। दिस प्लस दिस मतलब ये असेट्स जो मेरा था उसके अगेंस्ट में रियलाइजेशन हो चुका है पूरी तरीके से, बराबर। ओके, बचे हुए असेट्स की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। बिफोर दैट कुछ और वर्किंग नोट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो ये वाला एडजस्टमेंट अपना हो गया, इसको डबल से देखने की जरूरत नहीं है। ओके, वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वाज ₹6,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 4,500। द बैलेंस टू दैट क्रेडिटर वाज पेड इन कैश। और उसी के रिगार्डिंग बी वाले एडजस्टमेंट को तुम लोग यहां पर इस एडजस्टमेंट के साथ में पढ़ो, ई वाले एडजस्टमेंट के साथ में। द लाइबिलिटीज वेर पेड एंड अ टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर्स। बी और ई एडजस्टमेंट साथ में इंटरकनेक्टेड है कि एक क्रेडिटर ने हमारा पेटेंट लेकर गया जिसकी बुक वैल्यू 6,000 थी, बोले तुम्हारे बुक्स में होंगी उसकी 6,000 वैल्यू, लेकिन इस पेटेंट की मेरे हिसाब से 4,500 वैल्यू आती, बोलो अग्री करते क्या। तो हमने बोला ठीक है ले जाओ 4,500 में, पर हमारी बुक वैल्यू कितनी थी उस चीज की, 6,000 रुपए। तो अब देखो वो 6,000 के बदले हम लोग ने हमारा पेटेंट दे दिया 4,500 में, तो हमारी लाइबिलिटी 4,500 से तो कम हुई कि नहीं हुई 4,500 से। फिर हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी थी उस क्रेडिटर की, यहां पर आओ 17,800 रुपए। अब 17,800 में से 4,500 रुपए की लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, 17,800 में से 4,500 की लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, तो बची हुई लाइबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और वही पॉइंट के बारे में बोल रहे हो, ई नंबर के पॉइंट में, कि द लाइबिलिटीज वर पेड एंड अ टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर्स, समझा। ओके, तो चलो इसकी वर्किंग देख लो, अगर नहीं समझा होगा अभी भी तो मैं दो वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग नोट वन विद रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स और वर्किंग नोट टू विद रिगार्ड्स टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। अब देखो क्रिएटर्स की बुक वैल्यू थी 17,800, टेल मी यस नो, उसमें से हमने उनको पेटेंट्स दिए 6,000 की दी, अब वो बात ही मत करो, 6,000 होंगी तुम्हारे बुक्स में वैल्यू, लेकिन हम उसको 4,500 मानते, तो तुमने भी अग्री किया तभी तो उसको 4,500 की मान ली। 17,800 में से 4,500 रुपए तो तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो गई, हो गई इसकी देख। जब असेट के सामने कोई लाइबिलिटी वे ऑफ हो जाती ना, तो उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर अमाउंट तक के हद तक। जब कोई पर्टिकुलर असेट के अगेंस्ट में तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है, पेटेंट तुम्हारा असेट है कि नहीं है, इस असेट के सामने तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, 17,800 में से 4,500 की लाइबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई, हुई ना, तो उस हद तक एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, आपस में म्यूचुअली वो कैंसिल ऑफ हो जाता है, ठीक है। ओके, सुनो मेरी बात, तो 4,500 के पेटेंट्स उसको हमने दे दिए, अब कितनी लाइबिलिटी बची है 17,800 में से 4,500 अगर मैं करूं तो, वन सेकेंड, 17,800 माइनस 4,500 तो आते हैं वो 13,300 रुपए। तो अभी भी हम लोग को ये 13,300 रुपए देने हैं कि नहीं देने, हाँ देने, लेकिन उन्होंने अपने को 500 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया। वो ई वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ो, वापस समझ में आ जाएगा। द क्रिएटर्स वेर पेड इन कैश एंड 500 रुपीज ऑफ डिस्काउंट वॉज अलाउड। तो 13,300 में से 500 रुपए अगर माइनस करोगे तो 12,800 रुपए हमने उसको कैश में पेमेंट किया है। मतलब 17,800 की लाइबिलिटी कैसे वे ऑफ की पता है, 12,800 तो हम लोग कैश देंगे उसको और 4,500 के पेटेंट्स देंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, पॉइंट ठीक है। अब जरा पेटेंट्स की तरफ और ध्यान दो, पेटेंट देखो बेटा टोटल बुक वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपए की, उसमें के 6,000 की बुक वैल्यू के पेटेंट्स हमने यूज किए हमारी लाइबिलिटी को कम करने के लिए, 6,000 की बुक वैल्यू की पेटेंट्स। ये बात अलग है कि 6,000 की बुक वैल्यू की पेटेंट्स की रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ 4,500 ही हुई। बोलो समझा कि नहीं समझा, है ना। अब कितने रुपीज के बुक वैल्यू के पेटेंट्स रहे तुम्हारे पास में, 4,000 रुपए के, समझा क्या। टोटल पेटेंट्स की बुक वैल्यू 10,000, उसमें से 6,000 की बुक वैल्यू की पेटेंट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है 4,500, वही हमने यूटिलाइज किए हमारी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो सर ये समझ में आ गया, लेकिन इसको रिकॉर्ड कैसे करना, तो बहुत सिंपल है बेटा। तुमको ये जो चीज है कि ये 4,500 के पैसे आए फिर हमने उसको दिए, ये रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। कि इसको ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए कि 6,000 की चीज हमने बाल लोग बाजार में बेच दी, तो कितने रुपए है 4,500, और वही 4,500 रुपए हम लोग ने इमीडिएटली क्रिएटर को दे दिए।
तो पहले एक काम, पहले तुम ऐसा करोगे रिकॉर्डिंग कि पहले 4,500 रुपया आए बाय बैंक टू रियल एजेंट, और वही 4,500 रुपये तुमने अपने क्रिएटर्स को दे दिए बाय क्रिएटर्स टू बैंक 4,500 4,500। तो ये क्या हो रहा है, आपस में नेट ऑफ हो रहा है ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है। तुमको सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है पता है, ये 12,800 रुपये के तुमने जो कैश दी है किसको, क्रेडिटर्स को, उसको रिकॉर्ड करना है। तो क्या एंट्री होगी, बाय रियलाइजेशन टू बैंक, बाय क्रेडिटर्स टू बैंक नहीं होगा बिकॉज क्रेडिटर्स का अकाउंट तुमने ऑलरेडी बंद कर दिया है। और इसमें ही अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा कि बाय क्रेडिटर्स टू बैंक क्यों नहीं करते सर वगैरह, तो तुम लोग वो मेरा वीडियो देख लो, तुमको मैंने हर चीज उसमें डिटेल में बताई है। ऑलराइट, सो बाय क्रेडिटर्स, सॉरी बाय रियलाइजेशन, ये देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट में आ गए और यहां पर मैं लिखूंगा टू बैंक और यहां लिख लो क्रेडिटर्स। कितने रुपए के क्रेडिटर्स थे, 12,800 की कैश दी तुम लोगों ने, कैश है बैंक। अब देखो ये तो वैसे भी कोई लाइबिलिटी का मीनिंग नहीं बनता है, इस लाइबिलिटी का पूरा हिसाब हो चुका है 17,800 रुपए के अगेंस्ट में हम लोगों ने उसको 12,800 रुपए दिए। सर क्या बात है सर, आपका तो बहुत फायदा हो गया, 17,800 की लाइबिलिटी आप सिर्फ 12,800 में ही लेट ऑफ कर दिए। नहीं बेटा, मैंने 12,800 तो कैश बैंक दिया है उसको, प्लस 4,500 के पेटेंट्स भी तो दिए उसको, तो सिर्फ उसने 500 रुपये का ही मेरे को फायदा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या सर? फिर आपने ये पेटेंट्स की तो वैल्यू लिखी नहीं यहाँ पे, ये जो पेटेंट्स है यहाँ पर आपने लिखना चाहिए था ना कि 4,500 रुपये मिले आपको। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम यहाँ पेटेंट्स की वैल्यू लिखोगे 4,500 रुपये मिले और यहाँ वापस बोलोगे कि क्रेडिटर्स को 4,500 रुपये दिए, तो आमने सामने नेट ऑफ हो जाते ना, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि व्हेनेवर अ लायबिलिटी इज पेड ऑफ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर असेट व्हिच इज नॉट अ लिक्विड असेट, लिक्विड असेट मतलब कैश बैंक, व्हेनेवर अ लायबिलिटी इज पेड ऑफ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर असेट टू दैट एक्सटेंट द एंट्री कैन बी वेव्ड ऑफ। मैंने वही तो किया, यहां पर इधर 4,500 लिखो और इधर 4,500 लिखो, क्या सेंस बन रहा है? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया इसका? ओके फाइन। तो अब हम लोगों को इसके तरफ देखना नहीं है, अब वन सेकेंड, बोलो किसके तरफ देखना नहीं है, सेंडरी क्रिएटर्स की तरफ देखना नहीं, इसका पूरा हिसाब हो चुका है। ऑलराइट, जेएलपी का हिसाब हो चुका है, इसके तरफ डबल देखना नहीं, पेटेंट्स का पूरा हिसाब नहीं हुआ है, अभी भी 4,000 के पेटेंट्स बचे हुए हैं, सिर्फ 6,000 के पेटेंट्स का हिसाब हुआ है। तो ऐसा मत बोलो कि सर पेटेंट्स की तरफ भी नहीं देखना है, ठीक है? ऑलराइट, नाउ ये हो गया जेएलपी, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, बी भी हो गया और ई वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। सी, द फर्म हैड प्रीवियसली परचेज सम शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हैड रिटन देम ऑफ, मतलब ये वैल्यू थी नहीं हमारे बैलेंस शीट में, तुमको कभी शेयर इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चिड़िया दिखेगी ही नहीं। देखो कहीं पे दिखती है क्या, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, कहीं नहीं दिखती है क्योंकि राइट ऑफ कर दिए थे, लेकिन अचानक से उसकी वैल्यू आ गई, इट इज अनरिकॉर्डेड असेट, बराबर है? तो लेकिन हम लोग ने इसको ऐसा नहीं किया कि इसको पहले घर में लेकर आए कि भाई कैश बैंक टू अनरिकॉर्डेड असेट्स या इस तरीके से, कुछ भी नहीं किया। वो जो शेयर्स थे जिनकी 3,000 रुपए की वैल्यू आई थी, यहां पर दिया है देखो, द शेयर्स वर नाउ फाउंड टू बी वर्थ 3,000 एंड अ लोन क्रेडिटर, ये वाला लोन क्रेडिटर 6,200 का लोन क्रेडिटर, उसने लोन क्रेडिटर अग्रीड टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू। तो 6,200 में की 3,000 रुपए की तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी अपनी। चलो इसके लिए भी एक वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग नोट 3, लोन क्रेडिटर मतलब अपनी दूसरी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है तो हम लोग उतना भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। 6,200 उसमें से देखो 3,000 रुपए की जो लाइबिलिटी, देखो टोटल 6,200 की है, उसमें के 3,000 रुपए की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में हम लोगों ने क्या दिए, अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ शेयर्स 3,000 रुपीज। इसको रिकॉर्ड ही नहीं किए थे और अब करेंगे भी नहीं, इसको बोले ठीक है ये हमारे पास थे ले ले जा, अभी भी उसकी कितनी लाइबिलिटी पेंडिंग है 3,200 रुपए। तो ये हमको पे करना पड़ेगा काय के थ्रू, कैश के थ्रू। अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज करेंगे, अब ये 3,200 रुपए की एंट्री पास करेंगे, दैट इज रियलाइजेशन टू कैश बैंक, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। तो ये इसने 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया अपने को, 6,200 के बदले में 3,000 रुपए के हमारे शेयर्स ले लिए, तो ये हमारे पास उसमें रिकॉर्डेड ही नहीं थे, तो अब लाओ भी मत रिकॉर्ड पे इसको, जाने दो बाहर की बार खत्म हो गई। सिर्फ 6,200 के बदले में हमारा 3,200 का कैश जा रहा है, ऐसा समझो, खत्म हो गई बात। ऑलराइट, देयरफॉर
अब यहां पर मैं आ रहा हूं, देखो टू बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है, रियलाइजेशन टू बैंक, सिर्फ नरेशन में लिख लो यहां पर कि लोन ऑन हाइपो ऑफ स्टॉक, ये वाला जो लाइबिलिटी थी हमारी लोन ऑन हाइपो ऑफ स्टॉक, इसके अगेंस्ट में हम लोग कितना दे रहे हैं उसको, 3200। तो हमारी ये वाली लाइबिलिटी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई, कौन सी, लोन ऑन हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक वाली। तो अब तुम्हारा लाइबिलिटी साइड यानी ये जो रियलाइजेशन का जो क्रेडिट साइड वाला चीज है उसकी तरफ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ये तो कोई सेंस था ही नहीं। सन्डे क्रेडिटर्स का हिसाब हो चुका है, लोन ऑन हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक जो लोन क्रेडिटर्स है उसका भी हिसाब हो चुका है। अब सिर्फ तुमको असेट्स रियलाइज करने हैं, कौन से असेट्स, ये प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, इतने सारे असेट्स है उसको बेचोगे ना, फर्म बंद हो रही है ना, बिजनेस बंद हो रहा है ना। अरे बराबर है, दो बिजनेस जब बंद होता है तो असेट्स को रियलाइज करते और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते, तो मेरी जो दो बेसिक लाइबिलिटीज थी मैंने उनको पे ऑफ कर दिया, कैसे किया मैंने बता दिया। अब सिर्फ असेट्स को रियलाइज करना है, तो हमारा ये वाला एडजस्टमेंट भी पूरी तरीके से हो गया, सी वाला एडजस्टमेंट। अब रहा सवाल डी का, रिमेनिंग असेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट। देखो प्लांट एंड मशीनरी 17,000, फिक्स्चर्स 1,000, स्टॉक 9,000, तो ये चीजें हम लोग लिख लेते एक बार फटाफट। बाय बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पे, प्लांट एंड मशीनरी 17,000। देखो मेरी एक बात समझ लो कि जो 30,000 रुपए की वैल्यू थी उसके अगेंस्ट में कितने रुपए मिले हमको, 17,000, ठीक है। देन नेक्स्ट फिक्स्चर्स 1,000, ये आरवी है रियलाइजेबल वैल्यू, इसको मैंने बुक जब ओरिजिनली रिकॉर्ड कर रहा था तब इसकी तरफ ध्यान था क्या मेरा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आरवी है, आरवी कब आता है, एक बार पहले बुक वैल्यू पे इसको खत्म तो करो फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स के अगर में सिर्फ 1,000 आया, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 2,000, सिर्फ 1,000 ही आया, ठीक है। स्टॉक 9,000 रुपीज, अरे बराबर है क्या। डेटर्स 16,500, देन पेटेंट्स एट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। हाँ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेटेंट्स एट 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। देखो ध्यान दो बेटा, 10,000 में के 6,000 के पेटेंट्स का हिसाब हो चुका है, वो 4,500 के वैल्यू से चले गए। 4,000 की जो पेटेंट्स है उसकी 50% आते हैं 2,000 रुपए, तो इतने रुपए मिले हमको पेटेंट्स के अगेंस्ट में, दैट्स इट। तो पेटेंट्स 2,000 रुपीज। तो इस तरीके से जितने भी असेट्स थे वो सारे रियलाइज हो गए, सिर्फ अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है 2,300 के, वो हमको देना है, ई वाला एडजस्टमेंट तो हो ही गया था। ऑल राइट चलो। तो अब एक काम करो, इसकी टोटल कर लेते हैं, दैट इज 10,200 प्लस 17,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 16,500 प्लस 2,000 कम्स आउट टू 55,700। ये टोटल असेट्स हमारे रियलाइज हुए कैश बैंक में। तो बाय बैंक टू रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन में लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं रियलाइजेशन में आता हूँ, आई मीन बैंक में आता हूँ, टू रियलाइजेशन ऑलरेडी लिख के रखा है 55,700। डबल डबल मत लिखो यहाँ पे, ये सारी चीजें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, समझ रहा है क्या। ये 55,700 लिख ली, यहाँ पर लिख लिया बैंक में, खत्म। ओके उसके बाद में बेटा ये वाली चीज भी खत्म करो ना। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज पेंडिंग है, रुक जाओ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। सो देयरफॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,300 रुपीज़ के जो थे ये तीनों, अब 12,800 प्लस 3,200 प्लस 2,300 यानी ये होते 18,300 रुपीज़। अरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अभी बैंक में मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, दैट इज 18,300। ऑल राइट नाउ देखो बैलेंस शीट को जरा ध्यान से देखो, तो जरा सारी चीजें होगी क्या, ध्यान से देखो कि सारे एसेट्स का हिसाब हो गया, 1, 2, 3, 4 जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पेटेंट्स, कैश एट बैंक को हमने बैलेंस में लिख लिया, कैपिटल अकाउंट्स हम लोग ने कैपिटल अकाउंट्स में लिख लिया, अभी इसका हिसाब होना बाकी है। क्रेडिटर्स का हिसाब हो चुका है, इसका हिसाब हो चुका है। राम्स लोन, देखो ऐसी चीजें रह जाती है, इसका क्या हिसाब दिया तुमने, कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे पास में एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है अभी, क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस था, देखो ओपनिंग बैलेंस था 8,000 रुपीज का, प्लस 55,000 रुपीज रियलाइज हुए, और तुमने आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पहले पे ऑफ कर दी। देखो पहले राम्स लोन मैंने नहीं बोला कि हाँ दे दो, पहले राम का लोन दे दो, वो इनसाइडर है, उसका लोन तब दिया जाएगा जब आउटसाइडर्स लोन की पहले
तुम लोग ने पे ऑफ कर दिए पेमेंट्स, तो आउटसाइडर्स लोन हम लोग ने पे ऑफ कर दिए, कुछ एसेट से दिया, कुछ कैश बैंक के थ्रू दिया, लेकिन अल्टीमेटली आउटसाइडर्स लोन पे ऑफ हुए कि नहीं इतना बोलो खाली, हो गए ना आउटसाइडर्स लोन? दो ही तो आउटसाइडर्स लोन थे, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स थे और एक लोन ऑन हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक था, तो हम लोग ने इनका आराम से पेमेंट कर दिया, अभी भी हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हुए। तो पहले अब जो ये पार्टनर्स की कैपिटल की तरफ जाने से पहले राम का लोन जो है वो पहले पे ऑफ करेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो है ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमारे टच हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर सबका इफेक्ट हम लोग प्रॉपरली दे चुके हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट ये है? तो पहले राम का लोन हम लोग पे ऑफ कर देंगे। देखो हमारे पास बैंक में बहुत पैसे है, सी 8000 रुपीज ओपनिंग था, 55700, उसमें से सिर्फ 18300 ही गए, ये जो भी तुम्हारे ये देखो ये पार्टनर्स लोन ऑन हाइपो ऑफ स्टॉक और क्रेडिटर्स, मतलब सारे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हो गई। अब मैं राम्स लोन दे रहा हूँ यहाँ पे, तो राम लोन का जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। तो बाय राम्स लोन 15000, बोलो क्लियर है पॉइंट ये। उसके अलावा पार्टनर्स जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स है, देखो कितने के जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स, 12400 दिख रहा है। अब ये जो 12400 है इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो यहां लिखता हूं मैं बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 12400 को 4:2:3 का पीएसआर था वो मैंने बताया था, डिवाइड बाय 9 × 4 ये आता है 5511, फिर आता है 2755 और ये 4134 ही लेना पड़ेगा, 5500 + 2755 = 3, यस करेक्ट, वो 4133 यार, उसको राउंड ऑफ एक जगह पे करना ही था तो मैंने इसको कर दिया आदिल को, ठीक है। 4134 रुपीज जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दे दिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बैलेंस शीट के हर एक आइटम टच हो चुका है, अभी बैलेंस शीट का एक भी आइटम अनटच नहीं है। जो आइटम्स को रियलाइजेशन में डालना था रियलाइजेशन में डाल दिया, जो आइटम्स नहीं डाल सकता था जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं डाल सकता था रियलाइजेशन में, बैलेंसेस यहाँ डाल दिया, एज इट इज रहने दिया। जेएलपीआर नहीं डाल सकता था, पार्टनर्स के को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके अलावा ये तो रियलाइजेशन के थ्रू आया। बैंक नहीं डाल सकता था तो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, फिर अभी तक जितने भी हुए वो सब कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्लोज करेंगे पता है तुमको? रियलाइजेशन अकाउंट ऑब्वियसली, इसमें देखो प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। प्राइमा फेसी इट अपियर्स डेबिट साइड ही बड़ी होगी, तो मैं क्या करता हूँ पहले डेबिट साइड के टोटल करके देख लेता हूँ। यू ऑल्सो डू दैट, 30,000 + 2,000 + 10,400 + 18,400 + 15,000, क्योंकि असेट्स अच्छे रियलाइज नहीं हुए हैं। 10,000 + 18,300, तो इसकी टोटल मेरी आ रही है 1,04,100, जस्ट चेक इट आउट। उसके अलावा -400 -17,800 -6,200 -5,300 -55,700, यस 18,700 का लॉसेस आ रहा है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो देयरफॉर जब लॉस आते हैं, ये देखो 18,700 का लॉस आ रहा है, तो ये 18,700 का लॉस मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ? ऑब्वियसली पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम वजीर एंड आदिल 18,700 को डिवाइड करो आप लोग इन द रेशो 4:2:3 / 9 × 4, इट कम्स आउट टू 8,311 + 4,155 + 6,233, तो ये शायद 8,311 + 4,155 + 6,233 = 18,699 हो रहा है। आदिल को ही हम लोग यहाँ पर एक लॉस थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, दैट इज़ 1 रुपये का राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं आदिल के, मैं पहले वहीं पर राउंड ऑफ किया था, 6,234 कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8,311 + 4,155 + 6,234 comes out to 18,700, पार्टनर्स के अकाउंट अकाउंट हमको डेबिट करना पड़ेंगे, यू नो दिस लॉसेस आ रहे हैं। सो 1,04,100
ये हो गया तुम्हारा रिलेशन अकाउंट क्लोज। फिर अब मैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिबिट करूँगा 8311 4155 8311 4155 6234 2 रियलाइजेशन। ये क्या थे? रियलाइजेशन लॉसेस। ऑल राइट, अब एक काम करो, बैंक अकाउंट जो है ना, एक सेकंड, पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट एंड में ही क्लोज होगा। जैसे मैंने बताया था यहां पर कि बहुत इनके जो बैलेंसेस रहने वाले हैं वो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट से मैच हो जाएंगे, तो विल डू इन द सिमिलर वे। राम का अकाउंट देखो, 30,000 ओपनिंग बैलेंस प्लस 5511, तो ये होते हैं 35,511। इतना उसका टोटल क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, माइनस 8311 जो उसके लॉसेस है, तो बेसिकली 27,200 एक्चुअली उसको देना पड़ेगा फर्म को, राम। फर्म को, राम को 27,200 का पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है? देखते हैं ना, बैंक में है ना पैसे हमारे पास में। उसके बाद में वजीर 10,000 प्लस 2,755 यानी कि होता है 12,755 माइनस 4,155, वजीर को देने पड़ेंगे 8,600, ठीक है? और आदिल को अगर देखोगे तो आदिल में ओपनिंग बैलेंस ही बहुत कम है। देखो यहाँ पर 2,000 प्लस 4,134 6,134 का क्रेडिट आ रहा है, और यहाँ पर देखो 5,300 का पहले ही डेबिट है प्लस 4,6,234, तो आदिल का डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस मतलब आदिल को बोलेंगे जा तू घर से पैसे लेकर आ, क्योंकि जब तक आदिल पैसे लाता नहीं तब तक इन दोनों को बराबर से पैसे मिलेंगे नहीं ऐसे जितने मिलने चाहिए राम और वजीर को। तो आदिल की वैसे भी डेबिट साइड बड़ी आ रही है, 5,300 प्लस 6,234 यानी ये होते हैं 11,534। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इलेवन थाउजेंड फाइव थर्टी फोर माइनस 2,000 माइनस 4,134, तो 5,400 रुपीज हम लोग आदिल को बोलेंगे तू घर से लेकर आ भाई। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, और देखो इसके इफेक्ट्स, जो सेकंड इफेक्ट, बैंक से जो आदिल को पैसे आए थे, फर्म को जो आदिल से पैसे आए थे, तो टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट 5,400, और यहाँ पर भी लिख लो बाय राम कैपिटल अकाउंट और बाय वजीर कैपिटल अकाउंट, उतना ही होगा और बैंक अकाउंट तुम्हारा टैली हो जाएगा। देख लेना, 27,200 प्लस 8,600, ज़रा चेक करो, 8,000 प्लस 55,700 प्लस 5,400 ये होते 69,100 माइनस 18,300 रियलाइजेशन के पेमेंट्स वगैरह लाइबिलिटी वगैरह सब हो गया, राम का लोन 15,000 माइनस 27,200 और 8,600, यस हो गया, देखो तो 69,100। इस तरीके से बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये पूरा टॉपिक तुम्हारा रिवाइज हो चुका है एकदम कम से कम टाइम फ्रेम में, बिकॉज देखो रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए तुम्हारा सब कुछ तैयार रहना चाहिए तुम लोगों ने। एंड वैसे पूरे टॉपिक का अगर तुमको रिवाइज करना है तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। अगेन तीन ही अकाउंट्स बनाए मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैंक अकाउंट। इसके अलावा वर्किंग नोट्स की जो जरूरत थी वही वर्किंग नोट्स मैंने बनाई हैं। अब तुम लोग को अगर किसी का कुछ पेंडिंग रह गया होगा लिखने का, तो वो फ्रेम्स मैं दे रहा हूँ तुम लोग को, यहाँ से वो लिख लो, एक रियलाइजेशन अकाउंट कितनी फ्रेम, देन फिर ये उसके अंदर बैंक अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन क्रेडिटर्स, पेटेंट्स, लोन क्रेडिटर्स, लाइक दिस। बस तीन ही वर्किंग नोट्स बनाए थे, हियर दिस क्वेश्चन एंड्स। तो चलो, और हम लोग रिवीजन वीडियो सीरीज में नए वीडियोस के साथ में जरूर आएंगे। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाला मई 20 का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।